बगदादी का क्या है इंडिया प्लान, ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विवादित बयान देकर कांग्रेस के महासचिव गुरदास कामत फंस गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कामत को कारण बताओ नोटिस भेजा है और उनसे 5 दिनों में जवाब तलब किया है। कामत ने स्मृति ईरानी को काम वाली बाई कहा था। यह बयान महिला आयोग को नागवार लगा और कामत से इस पर जवाब मांगा गया है, और अगर गुरदास कामत जवाब नहीं देते हैं तो फिर उन्हें आयोग के सामने पेश होना होगा। देखिए, कामत जी ने जो कमेंट किया वो तो ना सिर्फ इरेस्पॉन्सिबल है, बेसिकली वो उन्होंने केवल एक राजनीतिक नेता की निंदा नहीं की है। उन्होंने क्या कहा है, काम वाली बाई, मतलब हमारे देश में कितनी हजारे लाखे काम वाली बाई है जो हर रोज काम कर करके अपने परिवार को बचाती है, संभालती है, तो ये क्या इंसल्ट नहीं है? तो एक तो उनको सोचकर कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, चाहे वो क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन में ही ना क्यों ना हो। हमने उनसे इन दोनों मुद्दों पर प्रश्न पूछा है कि आपने ऐसे क्यों किया, और मतलब व्हाटएवर हमने बोला है कि अगर आप उत्तर ना देंगे तो आपको कमीशन के सामने प्रस्तुत होना है। आइए आपको हम सुनाते हैं गुरदास कामत का वो विवादित बयान जिस पर उन्हें महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। स्मृति ईरानी नाम है, शिक्षा मंत्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है और वहीं पर दिल्ली से आकर बंबई में बसी। पहला काम बंबई में काम ढूंढने के लिए जब आई तो एक रेस्टोरेंट में जाकर पोछा लगाने का काम शुरू किया। उसमें कोई गलत नहीं, मैं गलत नहीं समझता। चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो पोछा लगाने वाली शिक्षा मंत्री। लेकिन शिक्षा मंत्रालय किसी को भी दे नहीं सकता। पूरे देश को सुशिक्षित बनाने का लक्ष्य लेकर कोई सरकार का काम तो शिक्षा मंत्री को देखते हुए लोगों में इज्जत होनी चाहिए। इस शिक्षा मंत्री ने कौन सा शिक्षा का पाठ मोदी जी को पढ़ाया, वो जाने और सोचिए।